नमस्कार दोस्तों, आप सभी का किताब नॉलेज 0.4 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि UGC नेट जून एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कैसे करें। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो या हिंदी साहित्य हो या कोई अन्य, आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2022 की परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है हिंदी साहित्य की, और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट की जो है वो परीक्षा हो चुकी है, और कुछ परीक्षाएँ जो हैं अभी NTA जारी है, अभी जारी हैं, करा रहा है। तो हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें, शॉर्ट पेपर कौन सा लें और कैसे सिलेबस को कवर करें, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे, समाधान प्राप्त करेंगे। और जो नए विद्यार्थी हैं, जो विशेषकर जून 2023 की ही फर्स्ट टाइम बैठेंगे, उनके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक होगा। बहुत सारे छात्रों को समस्या होती है सिलेबस को कैसे कवर करें, क्योंकि इतना सिलेबस है। और जैसे कि अभी हाल ही की परीक्षा का आकलन जब हम करते हैं तो हम जानते हैं कि परीक्षा का स्तर जो है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। तो ऐसे में आपको एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, ताकि आप उचित समय में अपनी तैयारी को सही दिशा में गति दे सकें। तो सबसे पहले एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें, जैसे कि हिंदी साहित्य का इस बार का आप अगर पेपर एनालिसिस करेंगे, जब आपकी आंसर की वगैरह आ जाएगी, और तो आप और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो जानते हैं कि कितना कठिन परीक्षा थी और कितनी गहराई से प्रश्न जो है वो गहराई से पूछे जा रहे थे। तो गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे थे, प्रश्नों का स्तर जो था वो कठिन था, डीप था। तो यहाँ पे रट्टा विधा जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा अहम रोल है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट डायरेक्टली नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो उनके ऑप्शंस गिवन होते हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करना उनको हमें रहता है। तो हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें, गहराई में आप अपनी हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे। पात्रों से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर से जो गौण पात्र रहते हैं, जिनका आपके उपन्यास और आत्मकथाएं और निबंधों में अधिक सक्रिय रोल नहीं रहता, उन पात्रों को उठाया गया था। तो हमें सभी पात्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, सभी को याद करते हुए चलना है। और कौन सी किताबें पढ़ें, तो अगर आप सॉल्व पेपर कौन सा लें, आपको एक थ्योरी की बुक पढ़नी होती है, थ्योरी की बुक, और सॉल्व पेपर आप AGP का ले सकते हैं या यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं, YCT यूथ कंपटीशन। ये दोनों ही प्रकाशन के जो है सॉल्व पेपर काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनकी जो व्याख्या होती है उत्तर की वो अच्छे से दी रहती है और त्रुटि कम इनमें देखने को मिलती है। और आपको एक थ्योरी की बुक लेनी है, इन दोनों में से आपको कोई एक ही प्रकाशन का ले लेना है, पेपर दो अपने विषय के लिए, और आप पेपर एक का भी इन प्रकाशन का ले सकते हैं, और आप अगर चाहें तो किसी अन्य प्रकाशन का भी ले सकते हैं। तो पुस्तकें आप एक थ्योरी की हो गई, थ्योरी की बुक के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की ले सकते हैं, दृष्टि की बुक, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे हिंदी साहित्य हो या कोई अन्य, आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए थ्योरी के लिए, कंप्लीट UGC नेट के लिए। हिंदी वाले दृष्टि पब्लिकेशन की हिंदी UGC नेट हिंदी की बुक लेंगे, सभी अपने विषय के अनुसार ले सकते हैं, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, सभी में दृष्टि पब्लिकेशन की बुक जो है वो अवेलेबल है। और पेपर एक के लिए भी आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं थ्योरी के लिए, UGC नेट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आपको पुस्तक की समस्या नहीं होगी, एक एक पुस्तक पर्याप्त रहेगी और एक एक शॉर्ट पेपर। तो इस तरीके से दो बुक हो गई आपकी, पेपर एक और पेपर दो के लिए, एक एक बुक हो गई दृष्टि की और एक सॉल्व पेपर हो गया, एक एक सॉल्व पेपर हो गया, पेपर एक के लिए भी और पेपर दो के लिए। इस तरीके से आपको ये कुल चार पुस्तकें जो हैं वो पढ़नी है। इनके अतिरिक्त आपको आपके जो हिंदी साहित्य में निबंध है, उपन्यास है, सभी को गहराई से पढ़ना है, बुक से सभी कवर हो जाएंगे, और आपको कुछ YouTube वीडियोस को भी देखते रहना है।
जिनमें अच्छे तरीके से कवर कराया गया हो। कथन, बहुत ज़्यादा कथन इस बार पूछे गए थे परीक्षा में कथन से, जैसे स्कंदगुप्त नाटक का कथन बहुत अधिक था तो उसको देख लेना है। आत्मकथाओं के जो चरण होते हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा थी तो उसके चरण तो हम सबको याद रहते हैं, लेकिन और भी अन्य जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, यानी कि यूनिट टेन में आपकी जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं आत्मकथाएँ और अन्य गद्य विधाएँ, वहाँ से बहुत अधिक प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो सभी पर अच्छे से फोकस करना है, जैसे कि जो एक कथन है कि आधुनिक साहित्य जो है वो गद्य साहित्य है, तो यही रूल इसमें लागू होता है, बहुत अधिक आधुनिक चीज़ों से पूछा गया था। काव्य खंड से बहुत कम प्रश्न बने थे, कविताओं से कम ही प्रश्न बने थे, पर पढ़ना आपको सभी कुछ है। सिलेबस को कैसे कवर करें, सभी कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है और सभी कुछ गहराई से पढ़ना है। अब केवल ऊपर से पढ़कर काम नहीं चलेगा, आपको गहराई से पढ़ना होगा, तभी आपकी परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण होगी। जिन्होंने परीक्षा दे दी है बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस बार की जो कट ऑफ होगी वो सामान्य रहेगी, सामान्य रहने की चांस है। परीक्षा का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, तो सॉल्व पेपर अब जो बच्चे न्यू है वो लेंगे, वो न्यू सॉल्व पेपर लेंगे, बिल्कुल एकदम न्यू सॉल्व पेपर लेना, जिसमें 2022 का ये वाला जो पेपर हुआ है, दिसंबर 2022 का जो मार्च में इस बार कंडक्ट हुआ है, ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है, यहाँ से आपको बहुत अधिक समझ में आएगा और हो सकता है आगे इसी पैटर्न पर अब परीक्षा जो है वो बनाई जाए, एनटीए इसी पैटर्न पर बनाएगा। तो ये वाला पेपर ज़रूर आपको, जिस भी सॉल्व जो उन सभी सॉल्व पेपर आप लें, ये वाला परीक्षा ज़रूर, उसमें ये वाला पेपर ज़रूर होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको कवर करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सॉल्व पेपर लेना है और लेटेस्ट सॉल्व पेपर उसमें ज़रूर होना चाहिए। कौन सी किताबें पढ़े मैंने आपको बता दी, चार बुक हैं, एक एक सॉल्व पेपर और एक एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। और हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें, या कोई भी हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें, तो बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं और सभी पर आपको फोकस बनाकर चलना है, सभी पात्रों पर, सभी चीज़ों को गहराई से अच्छे से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।